1942 की क्रांति की बात करें, आज भी 1942 क्रांति के बाद आज भी शांति मार्च यात्रा एक पुरानी परंपरा के तहत निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं शांति मार्च यात्रा में सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर रामविचार पांडे जी हैं और शिव कुमार कौशिक जी हैं, अफसर आलम साहब हैं और रजनीकांत सिंह व्यापारी नेता हैं और मंजर सिंह भी व्यापारी संगठन से, जो व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं। वो शांति मार्च यात्रा क्रांति मैदान बापू भवन से निकलकर शहीद पार्क चौक तक पहुँचेगी। वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पुनः वो शांति मार्च यात्रा टाउन हॉल क्रांति मैदान पर आएगी। ये वही क्रांति मैदान है जहाँ आज़ादी की घोषणा हुई थी। महात्मा गांधी जी के विचारों पर, महात्मा गांधी जी के सम्मान में आज तो क्रांति मैदान बापू भवन से शांति मार्च यात्रा अब शहीद पार्क चौक यानी गांधी प्रतिमा तक पहुंच चुकी है। यहां माल्यार्पण करने के बाद आइए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामविचार पांडे जी से बात करते हैं कि शांति मार्च की परंपरा कब से शुरू हुई और लगातार कितने साल से चली आ रही है। शांति मार्च की परंपरा 1970 से शुरू हुई और वह आज तक निर्वाह चलती जा रही है। यह शांति मार्च उसका आश्रितों का या सेनानियों का या तीर्थ दिवस है, यह तीर्थ दिवस है और आज हम उसी दिवस पर महात्मा गांधी को माला अर्पित करने आए हैं, याद करते हुए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कहता हूँ, हे बापू, जो तुम विरासत हमको दिए हो हम उसके अक्षुण रखेंगे। महात्मा गांधी पांडे जी, 1942 की बात करते हैं। उस वक्त 1942 में शांति मार्च जब यात्रा थी, उस समय क्या चित्तू पांडे, पंडित महानंद मिश्रा तमाम लोग शामिल थे? नहीं, पहले तो एक मार्च होता था और उसमें सब लोग शामिल होते थे। दो, एक 15 अगस्त को और एक 26 जनवरी को, दो मार्च होता था, उसमें सब लोग शामिल होते थे। और 2 अक्टूबर को 1953-54 के बाद से लोग एकत्रित होने लगे, सब लोगों से, पूरा सेनानियों से भरा रहता था, आश्रित नहीं रहते थे सेनानी। हाँ, आज की परिस्थिति में सेनानी के आश्रित जो बचे हैं वो कि उनका प्रत्यय भी मूल है और उनकी सरकार कुछ मदद कर नहीं रही है, वो अपने घरों पर ऐसे पड़े हुए हैं। तो अभी तो 1942 की याद में जो कार्यक्रम था 19 अगस्त को, इसी 19 अगस्त को, उसमें तो सेनानियों को सम्मान, 19 अगस्त को जो कार्यक्रम था वह बलिया बलिदान दिवस के रूप में था, उसमें सारे लोग सम्मिलित होते थे, कोई उसमें छंटता नहीं था। आज लोग छंटे हुए लोग हैं, खाली लोग हैं तो चले आए हैं और जो लोग आ गए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं यही अपील करता हूँ कि आने वाले समय में जितने आश्रित हैं वे सभी अपने परिजनों को लेकर के इस दिवस को आवें और अपना प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामविचार पांडे जी को सुना। आज शांति मार्च के अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित था। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहें बलिया आजकल। मेरे साथ कैमरामैन राजू, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।